Hi guys, welcome to the vlog after a long time. So first of all, I hope you all are doing well and keeping safe. I want to thank all of you very much. I have reached 5,000 subscribers on YouTube and it won't have been possible without you guys. So thank you so much for helping me meet this goal of mine, which I said in my last video, which was 6 months back, and I haven't been active since then, so I am very sorry about that. But thank you so much for 5,000 YouTube subscribers. और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं लेटली अबाउट वाई आर यू नॉट डूइंग एनी न्यू व्लॉग्स, वेट विल बी योर न्यू व्लॉग. सो हेयर आई एम विद माई न्यू व्लॉग. मैंने 6 months से व्लॉगिंग नहीं की, सो यू डोंट नो वॉट हैज़ बिन गोइंग ऑन इन माई लाइफ एंड अराउंड मी इन द लास्ट 6 months. सो आई विल शेयर विद यू ऑल द अपडेट्स टूडे. लेट्स स्टार्ट. So one of the first and the biggest updates that I have for you today is that right now I am not in Montreal. As if अगर आप मेरे पुराने vlogs follow कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि I was living in Montreal since the time I came to Canada. So I am right now in Ottawa in my new apartment. And there are a lot of more details and updates which I have to share with you. So मैं सोच रही हूँ कि ऐसे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा. लेट्स गो आउटसाइड, आई विल शो यू अ लिटिल बिट अराउंड. मेरे अपार्टमेंट के बिल्कुल बैक साइड पे एक पार्क है, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के कुछ आगे की बात करते हैं. सो लेट्स गो. मैं बाहर निकल रही हूँ बिल्डिंग से और मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ कि पार्क कहाँ है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्डिंग के पीछे तो ये तो बहुत फ़ायदा है. वहाँ पे अपना आराम से कोई बैडमिंटन वगैरह कोई भी स्पोर्ट खेलना हो खेल सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है. मैं आपको जाके दिखाती हूँ. सो आई एम आउटसाइड बाहर. ये है मेरी बिल्डिंग पीछे जो आप देख सकते हो, और बिल्डिंग में बालकनीज भी हैं, पर मेरे वाला जो अपार्टमेंट है उसमें कोई बैल्कनी नहीं है, विदाउट बैल्कनी, क्योंकि कुछ अपार्टमेंट्स विदाउट बैल्कनी भी हैं. इस टाइम अभी पार्क थोड़ा खाली खाली है, क्योंकि सिर्फ 5 ही बजे हैं शाम के. सो देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल एट दिस मोमेंट इन द पार्क. बट जैसे जैसे धूप थोड़ी नीचे चली जाएगी ना, आज बहुत सनी भी है पर बहुत प्लेजेंट है, 19 degrees है, बहुत अच्छा मौसम है. कुछ टाइम बिल्कुल खाली है, तो मैं आई विल शो यू. मौसम बहुत ही मज़ेदार है बाहर आके, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है. सो यही फ़ायदा होता है समर्स में. यहाँ पे कनाडा में मौसम इतना अच्छा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा प्लेजेंट होता है और हवा अच्छी अच्छी चलती है, तो बहुत मज़ा आता है. पर जब ह्यूमिड हो जाए ना, तब गर्मी भी बहुत हो जाती है, ऐसी बात नहीं है. इस बार ही गर्मियाँ भी बहुत जल्दी आ गई. मई में इस बार ही तो 29-30 तक टेम्परेचर पहुँच चुका है एक दो बारी, लेकिन कल परसों तक 2-3 भी हो गया था. तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता, टेम्परेचर कभी भी कैसा भी हो सकता है. एज आई सेड, मैंने आपको बोला था कि बहुत सारी अपडेट्स देनी है. सो फर्स्ट अपडेट तो डेफिनेटली यही थी कि आई मूव फ्रॉम मॉन्ट्रियल. और मॉन्ट्रियल से मूव करने का डिसीजन कोई बहुत ईजी नहीं होता, बिकॉज यू नो व्हेन एज अ स्टूडेंट यू सिटी में रह रहे हो, जहाँ पे सब कुछ बहुत ही कन्वीनियंट है, जहाँ पे यू हैव स्टडीड, यू मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर, योर फर्स्ट जॉब वॉज देयर, एंड यू नो व्हेन यू कम टू अ न्यू कंट्री और जिस जगह पे आप सबसे पहले जाते हो ना, आपकी वहाँ से एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है. या आपने अपनी फर्स्ट जॉब वहाँ पे करी है, आपने बहुत कुछ सीखा है उस जगह से, इस कंट्री के कल्चर के बारे में सब कुछ. सो एंड आई वुड स्टिल से ऑल द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू कैनेडा कि इफ़ यू गेट अ चांस टू गो टू मॉन्ट्रियल फॉर योर स्टडीज़, दैट वुड बी द बेस्ट सिटी टू गो टू, बिकॉज जो ट्रांसपोर्टेशन, जो कल्चर और जो कन्वीनियंस आपको मॉन्ट्रियल में मिलेगी, वो आपको किसी और सिटी में नहीं मिल सकती, दिस आई कैन गारंटी. सो वो सब तो है, बट हाँ आई नो कि
एक प्रॉब्लम जो मॉन्ट्रियल में डेफिनेटली है दैट इज़ फ्रेंच, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं स्ट्रगल करते हैं, वेदर इट बी फाइंडिंग जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स और फुल टाइम जॉब्स, दोनों में ही होता ही है. बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि अगर स्टूडेंट लाइफ अच्छे से इंजॉय करनी है तो मॉन्ट्रियल इज़ द बेस्ट. और खाना पीना भी है बिल्कुल अच्छे से और अफोर्डेबल प्राइस पे, तो भी मॉन्ट्रियल से बेटर जगह कोई और नहीं हो सकती. सो डेफिनेटली मॉन्ट्रियल से मूव करने का डिसीजन टफ था. कहाँ मूव करना था, ऑप्शंस थी, और मेरे लिए जो मेन ऑप्शंस थी आई थिंक वन वुड डेफिनेटली बी टोरंटो, जो भी GTA एरिया है, और सेकेंड ऑप्शन वॉज डेफिनेटली ऑटवा. ऑटवा पास था मॉन्ट्रियल से, और सेकेंडली ऑटवा में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज मॉन्ट्रियल. बिल्कुल सेम तो नहीं कहूँगी, ऑटवा डेफिनेटली एक्सपेंसिव थोड़ा तो है ही, बट 100% टोरंटो से तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. टोरंटो इज़ नॉट एट ऑल अफोर्डेबल फॉर एनी वन who has just started a new job. Or but हाँ, अगर आपको लगता है आप मैनेज कर सकते हो तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सिटी. मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो टोरंटो भी गए हैं और भी जा रहे हैं, सो आई नो कि वो भी बहुत अच्छी सिटी है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, सो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट सिटी एज वेल. ऑटवा आके मैंने अभी तक ऑटवा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि यू ऑल नो लॉकडाउन ही चल रहा है ओंटेरियो में, तो स्टे एट होम ऑर्डर्स हैं. और यू नो मैं जा सकती हूँ फॉर अ नॉर्मल वॉक, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ एक्सरसाइज पर्पस के लिए, मैं डेफिनेटली घर से बाहर जा सकती हूँ. बट हाँ, ऐसे नहीं कि आप ग्रुप्स में घूम लो, फ्रेंड्स के साथ मिल लो. बहुत ज़्यादा तो मैंने ऑटवा नहीं घूमा, बट जितना भी देखा है ये भी कन्वीनियंट है, स्पेशली जिस जगह पे मैं रह रही हूँ यहाँ पे सारा कुछ ग्रॉसरी स्टोर्स एंड एवरीथिंग सब ऑल आर नियर बाय, सो दैट वे इट इज़ कन्वीनियंट. और फिलहाल तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, सो आई डोंट हैव टू कम्यूट अ लॉट, सो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मुझे अभी इतना नहीं पता. बट उसके अलावा सेकेंड थिंग जो मुझे आप सबसे बात करनी है जिस बारे में, वो ये है कि Why I have moved to Ottawa. कि Montreal, अगर Montreal मुझे इतना ही पसंद था, इतना ही अच्छा लगता था और वहाँ पर जॉब भी थी, सब कुछ था, तो फिर Ottawa क्यों मूव कर लिया, Montreal ही रहना था ना. अरे यार, किसी का, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं Montreal से ऐसे मूव कर जाऊँ, बिकॉज वहाँ पर सब कुछ वेल सॉर्टेड सेटल था. बट आई नो कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गेस्ड बाय नाउ इफ यू आर सीइंग माई वीडियोज एंड इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियोज एज वेल, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गेस्ड कि वाई आई हैव मूव टू ओंटेरियो फ्रॉम क्यूबैक. सो येस, द मेन रीजन ऑफ मूविंग टू ओंटेरियो फ्रॉम क्यूबैक इज फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, इज फॉर PR. बिकॉज मुझे पता है आप सबको, मोस्टली आप सबको पता होगा कि क्यूबैक से फॉर अप्लाइंग फॉर परमानेंट रेजिडेंस यू नीड टू लर्न फ्रेंच, जो कि मुझे नहीं आती. मैंने आई डेंट लर्न फ्रेंच, और फॉर वॉट एवर रीजन्स मेन यही है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता व्हेन यू आर स्टडिंग ऑल्सो पार्ट टाइम वर्किंग ऑल्सो, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप फ्रेंच भी सीख लो. बट ये एक्सक्यूज़ नहीं है, जो जिसने सीखनी होती है वो सीख भी लेता है, अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो दे डू लर्न फ्रेंच. और बहुत से मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने क्यूबेक से PEQ अप्लाई किया है और जिसकी PR आ जाती है. चलो मैंने वो नहीं किया, सो आई हैड टू मूव टू ओंटेरियो बिकॉज आई वॉन्टेड टू फाइल फॉर एक्सप्रेस एंट्री, एंड आई विल बी फाइलिंग फॉर एक्सप्रेस एंट्री वेरी सून अंडर द CEC कैटेगरी विच इज़ कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास. सो अगर आप सबको पता नहीं तो आई विल टेल यू कि कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस एंट्री वेयर यू कैन अप्लाई इफ़ यू हैव 1 year फुल टाइम एक्सपीरियंस इन कैनेडा, विच आई विल बी सून कम्प्लीटिंग. सो मुझे अपनी कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में एक्सप्रेस एंट्री फाइल करनी है. ओके, सो उसके लिए समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस नाउ इज़ कि आई हैवन्ट मेड वीडियोज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. प्रीवियसली आई मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है और वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, विच वॉज़ वेरी हेल्पफुल. आई नो अ लॉट ऑफ यू हैव सीन इट, एंड यू मेरे को बहुत से कमेंट्स भी आए कि इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल. सो Since now I am going to enter the process of filing my express entry under the CEC category, I will be making all the videos thoroughly. I will be taking you through the entire process of filing express entry under CEC.
सो वॉट आई विल बी डूइंग इज जो सब भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं छोटे छोटे कि जैसे PCC चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यहाँ से कैनेडियन RCMP पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कौन सी लेटर एम्प्लॉयर से चाहिए, क्या नहीं चाहिए, एवरीथिंग आई विल बी शोइंग यू इन डिटेल, कौन से फॉर्म्स फिल करने होते हैं, क्या करना होता है, कैसे करना होता है, आई विल बी शोइंग. सो जो जो मैं करती जाऊँगी, आई विल मेक श्योर कि मैं सबकी वीडियोस बनाऊं और मैं आपके साथ शेयर करूं. सो एनी वन ऑफ यू हु इज़ प्लानिंग टू अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री अंडर CEC, स्टे ट्यून्ड फॉर माय वीडियोस. इन द कमिंग मंथ और सो यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ वीडियोस फ्रॉम मी. व्हेन आई से लॉट ऑफ, आई विल मेक श्योर कि पर वीक एक वीडियो तो हो ही, टेलिंग यू अबाउट सम प्रोसेस, ITA कैसे अप्लाई करना है, आपने अपना डिग्री कैसे इवेल्युएट करवानी है. सो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं. सो मैंने आई विल मेक श्योर मैं हर एक की वीडियो बना दूंगी. इट वुड हेल्प यू अलॉट. आई वुड से कि अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री CEC में अप्लाई करना है, यू डोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम एनी लॉयर अनटिल और अनलेस आपकी फाइल में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है. आई थिंक नहीं होगी CEC के अंडर तो. सो यू कैन डू इट योर सेल्फ वेरी ईजिली विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, विदाउट हायरिंग एनी लॉयर. यू कैन डू इट ऑल बाय योर सेल्फ. सो आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन दैट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. उसके अलावा इन माई कमिंग फ्यू वीडियोज़ यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ ऑटवा. आई विल ट्राई टू मेक एज मैनी व्लॉग्स एज आई कैन अबाउट ऑटवाज लाइफ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, हर चीज़ कैसी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है. सो एनी ऑफ यू हु आर प्लानिंग टू कम, इधर बहुत अच्छी दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सो उनके बारे में भी बात करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई व्लॉग्स और वेरी सॉरी फॉर नॉट व्लॉगिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट एटलीस्ट बाय वीकली एक व्लॉग तो मेरा आएगा ही आएगा आज से, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे. सो स्टे ट्यून्ड. अगर मेरे को आप कमेंट्स करके बताओगे मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, आई मेक श्योर आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ व्लॉग. अगर आपको मेरी जो भी अपडेट्स थी वो अच्छी लगी और इफ़ यू वॉन्ट कि मैं आगे और वीडियोज़ बनाऊँ, व्लॉग्स बनाऊँ, आपको ऑटपा की लाइफ दिखाऊँ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियोस, कमेंट्स भी ज़रूर कर दिया करो. मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप सबने कमेंट्स किया कि प्लीज़ वीडियो बनाओ. सो दैट रियली मोटिवेटेड मी. आज मैंने तभी वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आगे जो, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि जब जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ अबाउट जो भी प्रोसेसेस मैं कर रही हूँ आपको उसी टाइम पता चल जाए, और आप अगर साथ साथ करना चाहो साथ साथ भी कर लो, दैट वुड बी ग्रेट. तो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू वेरी सून. बाय.